ज्योतिष शास्त्र में शनि का प्रमुख स्थान है। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनि जिसके लिए उत्तम फलदायी होते हैं वो व्यक्ति पल भर में रंग से राजा बन जाता है। वहीं शनि की टेढ़ी नजर हो तो जातक को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की ढैया, साढ़े साती, दशा, महादशा और वक्री चाल में शनि जातक का खूब खर्च कराते हैं। शनि की महादशा 19 साल की होती है, साढ़े साती 7 साल की और ढैया 2.5 साल की होती है। शनि की महादशा में शनि जातक को उसके कर्मों का फल देते हैं। जब शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही होती है उस समय जातक को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नौकरी व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, अनावश्यक रूप से धन खर्च होता है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। लेकिन शनि की इन महादशाओं के दौरान घबराने की जरूरत नहीं है। इन महादशाओं में शनि व्यक्ति को भक्त बना देते हैं, यानी इन महादशाओं में शास्त्रों में दिए गए उपाय करने चाहिए। शनि ने 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किया है। 29 मार्च 2025 तक शनि अपनी ही राशि कुंभ में रहेंगे। इसके बाद ये देवगुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है, वहीं कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय शनि की नज़र किन 5 राशि के जातकों पर है, किन उपाय के जरिए शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। शनि की साढ़े साती मकर राशि पर चल रही है। साढ़े साती का आखिरी चरण चल रहा है। 26 जनवरी 2017 से शुरू हुई थी साढ़े साती, 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी साढ़े साती। जिस राशि पर टेढ़ी नजर है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। 23 फरवरी 2028 को समाप्त होगी साढ़े साती। शनि की साढ़े साती जिस तीसरी राशि पर चल रही है वह है मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक चलेगा पहला चरण, 7 अप्रैल 2030 तक चलेगी साढ़े साती। आइए अब जानते हैं कि किन राशियों पर ढैया चल रही है। कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों पर इस समय ढैया चल रही है। 17 जनवरी 2023 से शुरू हुई है ढैया, ये 2.5 साल तक चलेगी। ये वो 5 राशियां हैं जिन पर इस समय शनि की नज़र पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस समय मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को हर काम बहुत सोच समझकर करना होगा। कार्य क्षेत्र पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। कार्य क्षेत्र और परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। पैसे का लेन देन संभल कर करें। फिजूल खर्ची से बचने का प्रयास करें, वरना शनि की टेढ़ी नज़र की वजह से अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सरल उपाय के जरिए शनि की बुरी नज़र से बच सकते हैं। शास्त्रों में शनिदेव को प्रसन्न करने के अनेक उपाय दिए गए हैं। शनिवार के दिन मन को शांत रखते हुए शनिदेव का तेलाभिषेक करें। शनिदेव को काले वस्त्र, काले उड़द और लोहा अर्पित करें। शनिदेव के मंत्रों का जप करें। पीपल के वृक्ष पर जलाभिषेक और दीपदान करें। गरीब लोगों को खिचड़ी का दान करें। इन सरल उपाय के जरिए शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। शनि की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा भी बहुत कारगर होती है, इसलिए हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन। स्तुति।